क्या आपको अलाहाबाद बैंक में अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं? तो पैसे जमा कराने के लिए आपको पे इन स्लिप, जो कि डिपॉजिट स्लिप होती है, वो भरनी होती है। तो आज की वीडियो हमारी इसी स्लिप के ऊपर है कि इस स्लिप को आप कैसे फिल करेंगे। जी हाँ, तो ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे बहुत अच्छे से सीख सकेंगे और नेक्स्ट टाइम में आप अच्छे से इस फॉर्म को भरना सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये फॉर्म ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर फॉर्म भरने जा रहे हैं। जिनको अगर पहले से आता है तो वो प्लीज कमेंट ना करें कुछ भी उल्टा सीधा, ठीक है? तो ये फॉर्म भरना बहुत ही इजी है, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो जैसे कि नए लोग होते हैं, उन्होंने अकाउंट खुलवाया होता है, फर्स्ट टाइम सब कुछ करने जा रहे होते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको जब अलाहाबाद बैंक में जाएंगे तो आपको कैश डिपॉजिट स्लिप या फिर चेक डिपॉजिट स्लिप लेनी होगी बैंक में, जो कि इस फॉर्मेट में होगी। आप देख सकते हैं इसकी टू साइड्स होंगी। आपको इस साइड भी फिल करना होगा और इस साइड भी फिल करना होगा। बैंक वाले, हमारे जो बैंक वाले होंगे, वो आपको यहां से इस स्लिप को फाड़ के आपको दे देंगे और इस पे स्टैंप लगा देंगे अपना, ठीक है? ये प्रूफ के लिए होता है। तो इसको पूरा भरना होगा आपको दोनों साइड। तो हम देख लेते हैं इसको फिल कैसे करना है। तो हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे भरना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो भी डेट है, आप यहाँ पे डेट डाल दें, ठीक है? उसके बाद अपना ब्रांच का जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपका सेविंग बैंक है या करंट अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ टिक कर दें। अगर नॉर्मल अकाउंट है आपका, एक इंडिविजुअल जो होते हैं सिंगल पर्सन, आप सिंपल इस वाले पे टिक करें, या फिर इसको आप छोड़ें, आप सिंपल यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दें। इसके बाद अपना यहाँ पर नाम डाल दें। नाम डालने के बाद नीचे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दें। आप इस फॉर्म को हिंदी में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी, आपकी मर्जी है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ ईमेल आईडी आप रहने दें, इसको ब्लैंक छोड़ दें। फिर रुपीज में आप जितने पैसे जमा करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे उतना अमाउंट लिख दें। जैसे कि हम 30,000 जमा कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 30,000 लिख दिया है। इसके बाद आपके पास जितने के भी नोट हैं और जितने नोट हैं उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2,000 के नोट हैं 10, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ नोट, नंबर लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है 10 नोट हैं। इसके बाद जैसे 500 के आपके पास 6 नोट हैं तो आप यहाँ लिख दें। जितने के भी नोट अवेलेबल हैं आपके पास वो यहाँ पे लिख के आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दें। इसके बाद ऐड करके आप यहाँ टोटल में वही अमाउंट डाल दें जितना टोटल बनता है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर, जो जमा करने जा रहा है वो अपने यहाँ पर साइन कर दे। साइन जो जमा करने जा रहा है वही करेगा, ठीक है? अगर जिसका अकाउंट है वो किसी और को भेज रहा है तो वो अपने साइन नहीं करेगा, जो जमा करने जा रहा है वही अपने साइन यहाँ पर करेगा। इसके बाद हम इस साइड आ जाते हैं। देखिए, एक्चुअली ये स्लिप मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की हुई है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा रहा था तो मैंने इसे कट कर दिया है। आप जब बैंक में जाएंगे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा, वो ओरिजिनल स्लिप आपको देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ ब्रांच नेम डाल देना है, डेट डाल दें, फिर से अकाउंट नंबर, जैसे इस साइड डिटेल डाली थी सेम डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, नेम डाल दें, अमाउंट डाल दें, टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, और अपना यहाँ पे रुपीज इन वर्ड 30,000 जो था आप यहाँ 30,000 हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है कैश या चेक की जो भी डिटेल है वो यहाँ डालें, तो आपका जो भी डिटेल, जितने भी नोट अवेलेबल हैं आपके पास वो यहाँ पे आप टोटल डाल दें, या फिर आप सिंपल 30,000 यहाँ लिख दें, ये सब डिटेल नहीं डालेंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो इस तरह से ये स्लिप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और बैंक से रिलेटेड भी कोई और फॉर्म चाहिए और या देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।